दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पावर प्लग के कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये है हमारे पास पावर प्लग है और ये इसका जो है ऑन ऑफ बटन है ये वाला, और ये एसीयों को लगता है। आजकल गर्मी एसीयों का सीज़न है और पावर प्लग जल जाते हैं, तो चेंज इसको किस तरह करना है या नया किस तरह लगाना है ये आज मैं आपको बताऊँगा। तो ये हैवी मोटरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसकी बैक साइड कर लेते हैं। तो इसके तीन पॉइंट हैं, 1, 2 और 3, तीन इसके टर्मिनल हैं। सबसे पहले वाला ये देखिए लिखा हुआ है एल, एल होता है लाइट का, फेस का, और उसके बाद ये लिखा हुआ है ई, अर्थ का पॉइंट है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है एन यानी कि न्यूट्रल। तो हम इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम ये जो लाइट वाला है पॉइंट उसका हम पेज लूज कर लेंगे और उधर हम लगा देंगे फेस की रेड वायर। ये हमारे पास रेड वायर है, ये तार इसकी मोटी यूज़ होती है 744 की। तो ये हम लगाएंगे लाइन की तार, ये फेज लग गया हमारा। उसके बाद हम करेंगे जी ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल लूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लगा देंगे ये ब्लैक वायर। ये आ गई हमारी ब्लैक वायर, ब्लैक वायर हम इस तरह अंदर से लगाएंगे ताकि आगे बोर्ड के साथ टच ना हो। ये हमारी लगी ब्लैक वायर, इस तरह इसके कनेक्शन है। और ये है अर्थ की वायर, अगर आपके पास अर्थ की वायर है तो यहाँ पर आप लगा दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। ये इस तरह आप अपने घर के जो एसी का पावर प्लग है वो इस तरह आप जो है वो चेंज कर सकते हैं या नया लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसके कनेक्शन है। और कनेक्शन करने के बाद ये इसके जो हैं दो पेच हैं, ये बोर्ड के अंदर लगने हैं और ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ये लाइट लगी हुई है बटन में, जब ये ऑन होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया, इस तरह इसके कनेक्शन है।